नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, जेब में रख ले ये चीज, दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता। अगर जेब में इस चीज को अगर आप रख लेते हैं, दुनिया का कितनों बड़ा ताकतवर शक्ति हो, चाहे दुनिया का जितना भी ताकतवर आदमी हो, वो आपको हिला नहीं सकता है और आपको कमजोर नहीं कर सकता है। आज मैं ऐसी शक्तिशाली एक ऐसी ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं। ये इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल उपाय है, अगर इसको अगर आप जेब में रख लेते हैं तो आपका दुश्मन अपने आप में परास्त हो जाएगी। आप धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, धन खुद आपके पास चल करके आएगी। आज मैं धन प्राप्ति को कैसे किया जा सकता है टोटके के द्वारा, और आप अपने शत्रु को कैसे परास्त कर सकते हैं मात्र ये चीज को जेब में रख करके, आज मैं बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ही चमत्कारी शक्ति बताने जा रहा हूं। इस शक्ति को आप किसी बिना किसी को बताए हुए, आप किसी को प्रचार किए बगैर अगर इस चीज को अगर आप जेब में रख लेते हैं तो आप जो है सबसे बड़ा ताकतवर आदमी हो सकते हैं, आप सबसे बड़ा ताकतवर इंसान हो सकते हैं। आपके ऊपर ना किसी का जादू चलेगी और निसी किसी का काला जादू का प्रकोप या काला जादू का साया आपके ऊपर नहीं रहेगी। ये कौन सा चीज को जेब में रखना है और किस दिन रखना है, किस समय रखना है, आपको सारे कुछ आपको विधि में बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे और जय मां बगलामुखी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो और शत्रु का परास्त हो। तो मित्रों, आपको इस क्रिया को कैसे करना है, कौन सा चीज है, तो ज्योतिषीय उपाय में बहुत सारे ऐसे उपाय दिया गया है। अगर उस उपाय को अगर आप आजमा लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो उपाय बताया गया है उस उपाय को अगर आप आजमा लेते हैं तो निश्चित तौर से आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते हैं, कभी भी आपको जन्नत की जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा, कभी कंगाली का जीवन आपको नहीं जीना पड़ेगा। इस शक्ति के द्वारा मात्र इस एक ही चीज को आपको रखना है। तो इसको करना क्या है, आपको इस क्रिया को करने का दिन होगा शुक्रवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में और मंगलवार के दिन में, या शुक्रवार या मंगलवार, दोनों में से कोई एक दिन आपको इस क्रिया को करना है। करना क्या है, आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल रंग का कपड़ा, थोड़ा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है और लेकर के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको चले जाना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप मंगलवार या शुक्रवार के दिन चले जाइए और लाल कपड़ा को वहां पर बिछा करके उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा लाल सिंदूर और एक पीस लौंग उसको उस कपड़े के ऊपर में रख करके, कपड़े को एक पोटली बना करके उसको बांध लीजिएगा, और बांध करके हनुमान जी के चरण में स्पर्श करके ओम हंग हनुमन्ते नमः मंत्र का 108 बार पाठ करके आप उस चीज को हमेशा जेब में रखिए। जब तक आपके जेब में रहेगा दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है, कोई भी कर्जदार आपको परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी आपको धमकी दे दे वो अपने आप को परास्त हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, शत्रु का वृद्धि कम हो जाएगी, शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा शक्तिशाली उपाय है, इसे आप जरूर प्रयोग करके देखें, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।